तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के लिए हम लोग जितना भी क्वेश्चंस है यहाँ पे ये फार्मूला जो है सब फार्मूला हम लोग एक ही वीडियो में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक नंबर जैसे हम लोग का घन लेते हैं हम लोग, तो घन का आयतन जो होता है हम लोग का एक ही होता है। क्यों होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे समझेंगे। जैसे हम लोग का एक यहाँ पे घन का ये हो गया, घन में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो हम लोग का क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे ये जो है हम लोग का एक ही जैसा होगा, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ठीक है, एकदम सिंपल वे में। तो इसीलिए हम लोग का एक घन का आयतन जो होते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी ए गुणे ए गुणे ए, यानी ए क्यूब लिख सकते हैं। तो वही लिखे हम लोग ए क्यूब। फिर हम लोग का घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a². फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर घन का देखेंगे हम लोग घनाभ का, घनाभ का जो, तो घनाभ है हम लोग का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया हम लोग का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन जो होगा एल गुणे बी गुणे एच ले लेंगे, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जब क्षेत्रफल आएगा तो 2 × LB + BH / HL ले लेंगे। फिर घनाभ का विकर्ण जो आएगा, तो घनाभ का विकर्ण आएगा तो √L² / BH² / HL ले लेंगे, एकदम सिंपल वे में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे बेलन दे रहा है, तो बेलन का कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है। बेलन का आयतन πr² कैसे हम लोग लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बेलन लेते हैं यहाँ पे, तो ये समझिएगा, समझा रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे बेलन ले रहे हैं तो बेलन का क्या हो रहा है, कुछ इसमें हाइट हो रहा है और ये जो है ब्रिथ है, तो ब्रिथ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², तो ये πr² ले लिए और ये एच ले लिए, तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया, घन का आयतन हो गया। तो घन का आयतन होगा πr² h, सॉरी बेलन का आयतन जो होगा πr² h हो गया। अब पूछ रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr h, क्योंकि इसका अगर हम लोग लेते हैं 2πr, ठीक है, इसमें हाइट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2πr h हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल लेते हैं तो 2πr × r/h हो जाता है, ये फॉर्मूला हम लोग का इसका है। फिर शंकु पर अगर चलते हैं तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h, शंकु का आयतन 1/3πr²h। फिर पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो πr² l होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr² l हो जाएगा। फिर हम लोग आगे लेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है πr × r/l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr × r/l हो जाएगा। फिर गोला आएगा, तो गोला का अति गोला आएगा तो गोला का आयतन होता है 4/3πr³। फिर गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है तो πr² हो जाएगा, और गोला का आयतन होता है 2/3πr², ठीक है, πr³, 2/3πr³। फिर आएगा हम लोग का अर्धगोला का, तो अर्धगोला का हम लोग का अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हम लोग का, आ जाता है क्षेत्रफल आ जाएगा हम लोग का 2πr² हो जाएगा, ये अर्धगोला का हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इस तरह आज हम लोग एकदम सिंपल वे में ये पूरा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है एकदम, है ना। इसको हालांकि पूरा हम लिखे हुए थे एकदम तुरंत, तब तक वीडियो कट हो गया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नहीं तो पूरा A to Z समझाए थे, अभी समझा दिया गया है, आप लोग इसको आसानी से याद करिएगा। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को इसमें देख के हर एक फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, कितना देर का हुआ, हाँ तो ये आसानी से आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, अगर कहिएगा तो इसको और डिस्क्राइब करके ये वाला वीडियो जितना भी है ये सब समझा देंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।